नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फोर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बिटगेट ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम इसमें लाइव शो करने वाले हैं कि आप इसमें जो स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया है यूएसडीसी और यूएसडीटी, उसको आप बिनांस स्मार्ट चेन से बिटगेट ब्लॉकचेन पे जो है कैसे ब्रिज करेंगे, ये सारा कुछ लाइव होने वाला है। और जो स्टेबल कॉइन है वो किस रेशियो में मिलेगा, ये सारा कुछ लाइव होने वाला है। तो सबसे पहले हम बिटगेट ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट bitget.com ओपन करना होगा, या फिर आप कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन गिगो पे आप बिटगेट या बीराइज सर्च करके, या वहां से भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अदर जो सोशल इसका चैनल्स है वहां पे आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे, इसमें इसका ढेर सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आप देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेकिंग, एनएफटी, डीफाई, ये सारा कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा जो है अभी 1 लाख जो है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इसके पॉसिबल है। डिसेंट्रलाइज, फुली डिसेंट्रलाइज है, जीरो गैस फी ब्लॉकचेन है। बहुत पहले ऐसा याहू न्यूज पे न्यूज भी आ रहा था कि ये जो है सोलाना किलर, नेक्स्ट सोलाना किलर बिटगेट ब्लॉकचेन ही होगा। या फिर मैंने और भी न्यूज देखा था कि जो कार्डानो होल्डर्स हैं या फिर इथेरियम का जो वेल्स हैं उनके जो है पोर्टफोलियो में जो है ये भी है बिटगेट ब्लॉकचेन्स का नेटिव जो बीराइज टोकन है, ये सारा भी है। तो ये सारा है। अगर इसको इसके इकोसिस्टम में बात करेंगे तो बहुत सारे चीज अभी अवेलेबल है, बहुत सारा कुछ आना बाकी है। अभी आप देखेंगे स्टेबल कॉइन इसी मंथ में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसी मतलब लास्ट वीक। अभी नाइट फाइनेंस है, इसमें आप देख पाएंगे कि ये मिरास एनएफटी मार्केट प्लेस है, स्फिनिक्स लैब, ये जो यहाँ पे है बीराइज स्वैप है, आइसक्रीम स्वैप, ये सब जो है तीन चार इसमें अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है इस ब्लॉकचेन पे। तो अभी हम इसका नेटिव एक्सचेंज के बारे में बात करें तो bitget.finance जो है इसका नेटिव एक्सचेंज है। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आप स्टेकिंग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। इस जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ मोर के ऑप्शन में आप स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, अनस्टेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अपलोड कर रखा है। अब डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपको जरूरत होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। जो नेटिव इसका अपना खुद का नेटिव डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो भी bitget फाइनेंस के इस पे अवेलेबल है। जब आप इसमें ट्रेड का ऑप्शंस पे जाके एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सिर्फ बीएनबी, ये सब जैसे यहाँ पे है बीएनबी आपके पास जो भी है, ये यहाँ से आप कोई इसके जो बिटगेट ब्लॉकचेन पे जो टोकन्स है उसको परचेज कर सकते हैं। लाइक बीराइज आप टोकन चाहते हैं तो इतने यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेट करके कुछ देर में शो करेगा कि आपको इतने टोकन्स मिलेंगे इस बीराइज या फिर बीएनबी के बदले जो भी है। इसके अलावा इसके जो है नेटिव जो जैसे कि अभी आप देखेंगे 39 मिलियन के आसपास टोकन मिलेगा 0.062 बीएनबी में। अब इसके अलावा आप इसका अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट एक्टिव डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बिटगेट ब्लॉकचेन से, वो है स्फिनिक्स। स्फिनिक्स डॉट को इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ये और भी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, जैसे कि इसका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो बिनांस पे है, क्रोनोस पे है और बीराइज पे है। आपको सिंपल कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस बारे में कि आप बिना जो स्फिनिक्स लैब पे है वो कैसे परचेज करेंगे। उसके अलावा आइसक्रीम स्वैप अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। आप सिंपल इसमें जैसे कि आप बिटगेट ब्लॉकचेन पे कनेक्ट करके आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं आइसक्रीम स्वैप, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जो app.icecreamswap.com है। आप सिंपल इसमें, लेकिन यहाँ पे बिनांस स्मार्ट चेन नहीं है, बिटगेट ब्लॉकचेन पे ही सिर्फ कनेक्ट होगा। इसके अलावा है एक और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे कि biraizswap.com है, biraizswap है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट biraizswap.finance है। यहाँ से आप जब ओपन करेंगे तो इसको भी कनेक्ट करके, लेकिन इसका BRC जो 20 है वो कनेक्ट होगा। यहाँ जैसे कि आप कनेक्ट का ऑप्शंस पे जाएंगे, मैंने यहाँ एक बार और शो कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देखेंगे कि ये बिनांस स्मार्ट चेन है मेरा, जो मैंने मेटामास्क को यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसके बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आप कैसे करेंगे एक आप जो ट्रस्ट वॉलेट को मेटामास्क के साथ, या फिर एक ही वॉलेट एड्रेस को आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन पे कैसे यूज करेंगे, उसका मैंने वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप आई बटन में वहां से आप देख के कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास 15.29854 BUSD है, जो कि बिनांस स्मार्ट चेन पे है। यह बिनांस स्मार्ट चेन पे, तो इसको मैं लास्ट में शो करने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें ट्रांसफर करेंगे, क्या रेशियो में आपको मिलेगा बीराइज ब्लॉकचेन पे और क्या फी लगेगा, ये सारा कुछ।
ये तो हो गया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में कि बीरा या बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे कौन कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लाइक बिटगेट डॉट फाइनेंस है, उसके बाद स्विनिक्स डॉट को है, आइसक्रीम स्वैप है, उसके बाद आप बीरा स्वैप डॉट फाइनेंस, बीरा स्वैप है, ये सारा कुछ है। और बीरा स्वैप और आइसक्रीम स्वैप ये नेटिव मतलब सिर्फ अभी बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे कनेक्ट होगा, और जो स्फिनिक्स है ये बिनेंस स्मार्ट चेन और क्रोनोसिस के बिराइस के अलावा यहाँ पे भी ये वर्क करता है, मैंने ये करा है। इसके अलावा लॉन्चपैड की हम बात करें तो बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे खुद का इसके ब्लॉकचेन्स पे बिराइस पैड करके इसका लॉन्चपैड है। इसके बारे में अगर आप सेपरेट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे कितने टोकन्स स्टेकिंग करने होंगे, ये सारा कुछ। तो ये सारा इकोसिस्टम के बारे में बात हुआ। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसका जो बिटगेट ब्लॉकचेन्स का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां पे आप देखेंगे कि यूएसडीटी और यूएसडीसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा अभी नियर फ्यूचर में आने वाला है, इसमें बीएनबी आने वाला है, इथेरियम, शिबा इनू, पॉलीगॉन, ये सारा कुछ इस जो है ब्लॉकचेन्स पे आने वाला है अल्ट कॉइन्स के फॉर्म में, जो आप या तो परचेज कर सकते हैं या फिर मतलब इस जो भी मैंने ये सारा कुछ एक्सचेंजेस बताया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इससे आप परचेज स्वैप कर सकते हैं या फिर आप ब्रिज कर सकते हैं, ये सारा कुछ होने वाला है। तो ये इसका आप ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं फर्दर जो है नोटिफिकेशंस न्यूज़ के लिए, जो आपको रिसेंट न्यूज़ आपको मिलते रहे। तो अब हम देखते हैं कि आपको इसमें ब्रिज कैसे करना है। आप यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, सबसे पहले जैसे ये मेटा मास्क है मेरा, यहाँ पे आप बिनांस स्मार्ट चेन पे मैंने जैसे बताया कि 0.0624 BNB है मेरे पास, और जो BUSD है यहाँ पे 15.29 करके है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि BUSD नहीं है, आप USDC या फिर USDT को ट्रांसफर कर सकते हैं या ब्रिज कर सकते हैं। तो आप ये जो BUSD है इसको हमको पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा BUSD में, सॉरी BUSD को USDT में या फिर USDC में। तो ये भी मैं लाइव शो कर लेता हूँ पहले आपको। तो दोस्तों मेरे पास जो यहाँ पे BUSD है इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए या तो USDC या फिर USDT में, ये दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने सिंपल कर देने हैं, पैनकेक स्वैप ओपन कर लिया हूँ मैं, इसके बाद वॉलेट कनेक्ट कर लिया हूँ बिनांस स्मार्ट चेन पे, जैसे कि यहाँ पे आप, मैं फिर से शो कर रहा हूँ, ये बिनांस स्मार्ट चेन पे ही है, आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद 0.0624 BNB है और BUSD जो है वो 15.29 है। मुझे इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है वो जो BUSD है USDT में या फिर USDC में, क्योंकि ये जो स्टेबल कॉइन है बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे वो दो ही अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यहाँ पे USDT या फिर USDC। तो ये हो गया, इसी वजह से मुझे ये जो कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको BNB जो है यहाँ पे आपको BUSD सर्च कर लेने हैं, मतलब यहाँ पे मैं BUSD सर्च कर लेता हूँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद ये केक है इसको मैं इसी में कर ले रहा हूँ USDC, जी जो जो भी चाहते हैं USDC या फिर USDT, इस तरह से करके आप सिंपल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 15.29 के बदले, BUSD के बदले आप मुझे USDC जो है 15.26 मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपल स्वैप कर देने हैं, जब स्वैप करेंगे कंफर्म स्वैप करने के बाद ये जो है इस ट्रांजेक्शन को कन्फर्म कर देने हैं आपको। तो सिंपल मैं यहाँ पे कन्फर्म का बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ये जो अभी यहाँ पे है ट्रांजेक्शन सबमिटेड हुआ है, अभी मैं यहाँ से वापस से देखता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी ये BUSD है, मैं इसको USDC में कन्वर्ट किया हुआ हूँ। तो सिंपल मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद थोड़े से देर में मैंने रिफ्रेश करा तो ये जो मेरे पास BUSD थे जो बिनांस स्मार्ट चेन पे था जो, वो यहाँ पे USDC में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सिंपल था कि आप USDT या BUSD आपस में कैसे स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए ट्रांजेक्शन फी जो है वो BNB के फॉर्म में पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा BNB कटा हुआ है, अभी मेरे पास 0.0617 करके BNB है। अब मैं वापस से चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करने हैं इसमें, जैसे मेरे पास बिनांस स्मार्ट चेन पे है यहाँ पे जो मैंने यहाँ दिखाया। और एक बात और, ये टोकन जो इंपोर्ट करने के लिए है इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ टोकन कैसे इंपोर्ट करते हैं इसके बारे में, तो आप वो वीडियो देख के कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं जो है अपना, ये एक मिनट ये सब आ रहा है, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पे बिटगेट जो मेन नेट है इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ टोकन्स पड़े हुए हैं।
जैसे ये मैंने बिटगेट ब्लॉकचेन्स को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास 3 मिलियन टोकन ऑलरेडी है, और इसको जो मैंने USDC और USDT को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है टोकन को, और शो करने के लिए कि मेरे पास अभी 0 USDC है यहाँ पे। तो इस ऑफिशियल जो इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है जो बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे USDT का और USDC का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो शॉर्टफॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मैं दे दूंगा, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करना आसान हो। इसके बाद सिंपल आपको बिटगेट ब्लॉकचेन्स का ऑफिशियल वेबसाइट bitgo.com पे आना है, फिर यहाँ पे आपको ब्रिज में जाना है, हाउ टू ब्रिज, इसमें bitget.briz जो बिटगेट ब्रिज है इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ओपन होगा आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में 3 ऑप्शन है, BRISE, USDT और USDC। तो मेरे पास USDC है, तो मैं USDC यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे आपको ये बिटगेट नहीं, यहाँ पे आपको बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो मैं ये बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद ये जो है टोकन, चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि BEP20 है यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ आपको कर लेना है कितने, अब 1:1 रेशियो में नहीं मिलने वाला है आपको टोकन, यहाँ पे 1 USDC के बदले 0.9 USDC ही मिलेगा आपको जो है बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे। वो ऐसा क्यों हो रहा है अभी मुझे नहीं पता, आगे हम जैसे करते जाएंगे वैसा शायद ये हम बता पाएंगे आपको, क्योंकि ये लाइव मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है इसके बदले आपको जो यहाँ पे मेरे पास 3 मिलियन टोकन थे जो बिटगेट ब्लॉकचेन्स का, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो एज ए फी पेमेंट करने के लिए, वो शायद डिडक्ट हो या फिर रिजर्व करते हैं, ऐसा होता है ब्लॉकचेन सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्सिमम जाने के बाद मेरे पास 15 है, तो मैं 15 ये कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 USDC जो है BEP20 में मुझे 14.7 मिलेंगे। आपको सिंपल इनेबल कर देना है, पहले इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन फी पेमेंट करने होंगे छोटा सा, जो कि BNB के फॉर्म में होगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, उसके बाद कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म हो रहा है ये ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कन्फर्म करने के बाद कह रहा है कि स्विचिंग नेटवर्क टू कैंसिल ऑल पेंडिंग कन्फर्मेशन, यहाँ पे अलाउ दिस साइट टू स्विच द नेटवर्क। आपको बिनांस स्मार्ट चेन से, बिनांस स्मार्ट चेन में नेटीसी में करना है, आपको स्विच नेटवर्क पे एक बार क्लिक कर देना है। ये जो है स्वैप वो कन्फर्म कर दिए हैं, मतलब हम इनेबल किए हैं अभी जो USDC को है कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद स्वैप पे क्लिक करना है, स्वैप पे अमाउंट शुड बी, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम स्वैपिंग पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे स्वैप पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो अमाउंट शुड बी 100 और मोर देन 100, मिनिमम आप 100 USDC का जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब स्वैपिंग कर सकते हैं, बिलो 100 आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हुआ आपको सिंपल। अगर मेरे पास यहाँ पे होता 100 USDC होता, तो मैं सिंपल स्वैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना होता है एक ट्रांजेक्शन, उसको कंफर्म करने के बाद जो है वो सारा मेरे पास जो ये USDC था वो बिनांस स्मार्ट चेन से बिटगेट ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर हो गया होता। तो ये प्रोसेस है दोस्तों।